बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद कहती हूं। आर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाकफियतयामा क्लास वन का यूनिट 12 यानी कुव्वत और हरकत का जायज़ा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं जायज़े की तरफ। जी बच्चों, तो जायज़ा हमें पेज नंबर 87 पर दिया गया है। अलिफ़, तलबा से दर्जल सवालात के ज़ुबानी जवाब पूछें। पहला सवाल है, यानी सवाल नंबर एक, आप किस तरह किसी चीज़ को अपने नज़दीक कर सकते हैं। हम खींच कर किसी चीज़ को अपने करीब कर सकते हैं। नंबर दो, दरख्त से पत्ता तोड़ना खींचने का अमल है या धकेलने का, सोचे ज़रा, खींचने का अमल है। सवाल नंबर तीन, बस की रफ्तार तेज़ होती है या हवाई जहाज़ की। बिल्कुल, हवाई जहाज़ की रफ़्तार तेज़ होती है। नंबर चार, साइकिल किस की कुव्वत से चलती है। साइकिल टांगों की कुव्वत से चलती है। सवाल नंबर पाँच, दो तेज़ रफ्तार सवारियों के नाम बताएं। ज़रा सोचें और जल्दी से बताएं, कार और हवाई जहाज़ वगैरह। नंबर छः, साइकिल तेज़ रफ्तार सवारी है या सुस्त रफ्तार। साइकिल सुस्त रफ्तार सवारी है। सवाल नंबर सात, माजी में रेल के इंजन की ताकत ज़्यादा होती थी या आज कल के रेल की इंजन की। आज के रेल के इंजन की ज़्यादा ताकत होती है। सवाल नंबर आठ, किस डब्बे को हरकत देना आसान है, 8 किलोग्राम सामान वाला डब्बा या 25 किलोग्राम वाले सामान वाला डब्बा। बिल्कुल, 10 किलोग्राम सामान वाले डब्बे को हरकत देना आसान है क्योंकि वो कम वज़नी होगा। नंबर नौ, बैलगाड़ी की रफ़्तार तेज़ होती है या घोड़ा गाड़ी की। ये भी बहुत आसान है, घोड़ा गाड़ी की रफ़्तार तेज़ होती है। बे, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर एक, गेंद को हाथ में भींचना अमल है, धकेलने का, खींचने का, देखने का। बिल्कुल ठीक, खींचने का। नंबर दो, इनमें से कौन सा जानवर बहुत सुस्त रफ्तारी से हरकत करता है, घोड़ा, कछुआ या हाथी। कछुआ। नंबर तीन, इनमें से कौन सा धकेलने का अमल है, दरवाज़ा बंद करना, अलमारी का दरवाज़ा खोलना या पतंग उड़ाना। दरवाज़ा बंद करना धकेलने का अमल है। नंबर चार, इनमें से कौन सा खींचने का अमल है। अब ये आपको घोड़ा गाड़ी नज़र आ रही है यानी तांगा नज़र आ रहा है, एक बच्चा बैठ के किताब पढ़ रहा है और एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है यानी वो अपने बैट से बॉल को हिट करने वाला है। तो खींचने का अमल है जिसमें घोड़ा जो है वो अपने कार्ट को खींच के आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो यानी पहला ऑप्शन। नंबर पाँच, इनमें से कौन सी चीज़ खुद ब खुद हरकत कर सकती है, बिल्ली, कार या किताब। बिल्ली। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 88 पे। जीम, दर्जल सवालात के जवाब दें। नंबर एक, हम चीज़ों को किस तरह हरकत दे सकते हैं। हम चीज़ों को खींच कर या धकेल कर हरकत दे सकते हैं। नंबर दो, कुव्वत से क्या मुराद है, धकेलने या खींचने के अमल को कुव्वत लगाना कहते हैं, कुव्वत लगाकर हम चीज़ों को हरकत दे सकते हैं। नंबर तीन, क्या हम तमाम चीज़ों को एक जैसी कुव्वत लगाकर हरकत दे सकते हैं। जी नहीं, भारी चीज़ों को हरकत देने के लिए ज़्यादा कुव्वत लगानी पड़ती है, हल्की चीज़ों को हरकत देने के लिए कम कुव्वत लगानी पड़ती है। नंबर चार, अगर हम दीवार को धकेल ना सकें तो क्या हमने इस पर कुव्वत भी नहीं लगाई। दीवार पर कुव्वत लगाई है लेकिन दीवार को नहीं धकेल सकते क्योंकि कुछ चीज़ें अपनी जगह से हरकत नहीं करती। सवाल नंबर पाँच, किस चीज़ को हरकत देना आसान है, पानी से भरी बाल्टी को या आपके लंच बॉक्स को। बताएं ज़रा, लंच बॉक्स को हरकत देना आसान है क्योंकि वो हल्का है। आएं रंग भरें, माजी की सवारियों में रंग भरें। आपको कुछ तस्वीर दी गई हैं, इसमें से जो सवारियां माजी में इस्तेमाल होती थी आपने सिर्फ उनमें रंग भरना है, यानी आप साइकिल में और तांगे में रंग भरेंगे, आपने बस में और हवाई जहाज़ में रंग नहीं भरना। अब हम आजमाने वाले हैं आपकी जहानत को। पहला सवाल है, आपके कमरे में ट्रंक काफ़ी भारी है, आप अकेले इसे हरकत नहीं दे सकते, कोई तजवीज़ बताएं कि ट्रंक दूसरे कमरे में ले जाया जा सके। ज़रा सोच के बताएं, क्या करेंगे, किसी दूसरे की मदद से ले जाया जा सकता है। नंबर दो, क्या हम खुद भी हरकत करने के लिए कुव्वत इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम खुद भी हरकत करने के लिए कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। नंबर तीन, कॉपी पर लिखने का अमल खींचने का अमल है या धकेलने का। कॉपी पर लिखने का अमल धकेलने का अमल है। नंबर चार, क्या हवा भी कुव्वत लगाती है, मिसाल दें। जी हाँ, पतंग को उड़ाने में
और हवा में उड़ती हुई गेंद को रोकने में। नंबर 5, बैलगाड़ी आगे की तरफ हरकत क्यों करती है? जी हाँ, हमने देखा है बैलगाड़ी को आगे की तरफ खींचता है। इसके बाद है दाल। अपने इर्द गिर्द से मालूमात इकट्ठी करके दिया गया जदूल पुर करें। सबसे पहले क्या है? चीज़ें जिनको हम धकेल सकते हैं, चीज़ें जिनको हम खींच सकते हैं, चीज़ें जिनको हम धकेल और खींच सकते हैं। तो आपने यहाँ पे उन चीज़ों के नाम लिखने होंगे। इसके बाद है कुछ अमली सरगर्मियाँ। तो सबसे पहले है आपके टीचर यानी आपके साथ कराम क्या करेंगी, तलबा को बाहर ले जाएं और इन्हें एक फ़ुटबॉल देकर पूछें कि वो इस फुटबॉल को कितने तरीक़ों से हरकत दे सकते हैं। इनकी कुछ मिसालों में किक लगाना, धकेलना, मुक्का मारना, उछालना वगैरह शामिल है। और दूसरी सरगर्मी है इन जानवरों के नाम अपनी कॉपी में लिखें जिनकी मदद से भारी चीज़ें खींची जाती हैं। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं मुआशरती ज़िम्मेदारी की। दरवाज़ा हमेशा आहिस्तगी से खोलें ताकि अगर कोई दरवाज़े के पीछे हो तो उसे चोट ना लगे। और इसके बाद क्या है, गधे घोड़े या बैल पर बोझ लदा हो तो इस पर तशद्दुद ना करें कि वो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चले। जी बच्चों, तो ये था हमारा जायज़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने इसको अब ख़ुद से हल कर लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।